पूरी दुनिया में करीब 14,000 न्यूक्लियर बम हैं। शायद यही वजह है कि जिसके चलते दुनिया के तमाम एक्सपर्ट न्यूक्लियर वॉर का खतरा जता रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क ने अपने दुश्मन के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया तो फिर दूसरा मुल्क भी परमाणु हथियारों से पलटवार कर सकता है। मगर यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिस न्यूक्लियर बम को इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, असल में वही विनाशकारी बम पृथ्वी को कयामत से बचा सकता है। कैसे, देखिए यह रिपोर्ट। जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अब वही विनाशक धरती को कयामत से बचा सकता है। भले ही सुनने में यह आपको थोड़ा अटपटा सा लगे, मगर कुछ साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में यह दावा किया है कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरे से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बम है। आखिर इस वायरल खबर में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार उल्कापिंड धरती से टकरा चुके हैं। नासा जैसी कई स्पेस एजेंसियां 24/7 उल्कापिंडों की लोकेशन को ट्रेस करती रहती है, बावजूद इसके उल्कापिंडों को धरती की तरफ बढ़ने से रोक पाना नामुमकिन है। मगर साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में दावा किया है, अगर किसी उल्कापिंड के धरती की तरफ बढ़ने की कोई जानकारी मिलती है, ऐसे में उल्कापिंड को रोकने के लिए अगर विनाशकारी एटम बम का इस्तेमाल किया जाए, अगर एस्ट्रॉइड की टक्कर स्पेस में ही न्यूक्लियर बम से करा दी जाए, तो फिर धरती पर उल्कापिंड को गिरने से रोका जा सकता है। आपको बता दें कि करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोर होने का दावा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान उल्कापिंडों के धरती से टक्कर हुई थी, जिसके चलते डायनासोर का वजूद ही धरती से मिट गया। लिहाजा इस बार इंसानों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए दुनिया के तमाम स्पेस साइंटिस्ट जुटे हुए हैं और पृथ्वी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। लिहाजा इसी कड़ी में एटम बम के जरिए उल्कापिंडों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अब ऐसा मुमकिन होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।